हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फ्यूजन विद इनाया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वर्ल्ड फेमस हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी, वो भी बहुत आसान स्टेप्स के साथ। आप इसे बहुत आसानी से घर पे बना पाएंगे, वो भी इस वीडियो को सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि एकदम टेस्टी और लाजवाब सी हैदराबादी बिरयानी आप घर पे बना सकेंगे। होममेड बिरयानी मसाले डालेंगे हम इसमें। जब खुद मसाले बनाते हैं तो उसकी खुशबू और उसका टेस्ट कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्पेशल हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी को। सबसे पहले हम बिरयानी का खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। एक टीस्पून सौंफ, दो टीस्पून जीरा, 10 से 12 लौंग, 10 से 12 छोटी इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 स्टार एनिस, 1/4 जायफल का टुकड़ा और 1 बड़ा जत्री का फूल। अब इन सारे सूखे मसालों को हमें ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। अगर आपका ग्राइंडर एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाता है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के भी पीस सकते हैं। देखिए, हमारा खुशबूदार बिरयानी मसाला रेडी है। अब हम 8 से 10 हरी मिर्ची लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ग्राइंडर में डाल के हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चिकन ले लेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 केजी चिकन ले रही हूँ। हमेशा ख्याल रखिए, आप जितना चिकन लेंगे आपको उतना ही राइस लेना है। यहाँ पे मैं 1.5 केजी की बिरयानी बना रही हूँ और अब इसको हम धो के साइड में रख लेंगे। अब हम हमारे चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 कप दही ले लूँगी और दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अब इस दही में हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक लिया है 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल लिया है और रेड ऑरेंज फूड कलर 2 से 3 चुटकी लिया है। अब इन सब मसालों को हम दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने जो हमारा मिर्ची का पेस्ट बना के रखा हुआ था, हरी मिर्ची का पेस्ट, वो इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बिरयानी मसाला जो हमने बना के रखा हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें से थोड़ा बिरयानी का मसाला हम रख लेंगे जब हम बिरयानी की लेयरिंग कर रहे होंगे तब उसमें देने के लिए, और बाकी मसाला इसमें हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और ये सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें मैं धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता फाइनली चॉप करके डाल रही हूँ और इसमें हमने जो चिकन धो के रखा है वो इसमें ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून केवड़ा वाटर दे रही हूँ, ये देने से सेंट बहुत अच्छा आता है। और इसको हम फ्रीज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम बिरयानी के लिए राइस ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 केजी राइस ले रही हूँ, बिरयानी राइस ले रही हूँ और इसको हम अच्छे से धोएंगे और 1 घंटे के लिए पानी डाल के भिगो के रख देंगे। इससे चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत खिले खिले बनते हैं। अब हम बिरयानी के लिए बेलिस्ता बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 6 प्याज को बारीक काट कर ले लिया है और अब एक पैन बैठाएंगे। पैन में हम 1 कप ऑयल डालेंगे और इसे एकदम गर्म हो जाए जब ऑयल, तब सारी प्याज़ों को इसमें डाल के इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे। बिरयानी में बलिस्ता बना के देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बनाते वक्त ख्याल रखिए कि आपकी प्याज जलना नहीं चाहिए। जैसे ही उसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसमें से कुछ प्याज हम बाहर निकाल लेंगे जिसके हम लास्ट में गार्निशिंग करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ प्याज निकाल ले रही हूँ जब मैं लास्ट में लेयरिंग करूँगी उसमें डालने के लिए। और बाकी प्याज में हम हमारे जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। जैसे जैसे आप ये पकाएंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा। हमें अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे फ्राई करना है, अच्छे से भून लेना है। जब तक ये भूनता है तब तक हम हमारा आलू रेडी कर लेते हैं। अब बिरयानी में आलू मुझे बहुत पसंद है, मैं बिरयानी में आलू देना बहुत पसंद करती हूँ। आप लोग कौन कौन बिरयानी में आलू खाना पसंद करते हैं इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस बॉल में हमारा मैरिनेशन रखा हुआ था उसी बॉल में हम आलू को रख लेंगे। उसमें थोड़ा मैरिनेशन लगा हुआ है और इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा सा हम बिरयानी मसाला इसमें डालेंगे और 1 पिंच फूड कलर डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे।
ये हमारा आलू रेडी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। एक पैन में थोड़ा तेल डाल के हम इसको, जब तक इसके ऊपर गोल्डन क्रस्ट नहीं आ जाता और ये 60-70% कुक नहीं हो जाता, तब तक इसे हमें फ्राई करेंगे। ऐसे फ्राई किए हुए पोटैटो और ऐसे मसाला लगा हुआ बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने एक फंक्शन में इसे खाया था, बहुत टेस्टी लगा था, तब से मैं आलू ऐसे ही देना पसंद करती हूँ। हमारे आलू रेडी हैं, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हमारे चिकन की तरफ। 8 से 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब इसमें हम 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। हमें चिकन 80% ही कुक करना है, हमें चिकन पूरा कुक नहीं करना है। बाद में जब हम दम लगाएंगे बिरयानी में तब भी ये कुक होगा। और इसकी लीड लगाकर हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रख देंगे। जब तक हमारा चिकन पक रहा है हम बिरयानी के लिए चावल रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा वेसल लिया है, उसमें 4 लीटर पानी को हम उबलने रखेंगे और यहाँ पे हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 5-6 लौंग, इलायची, दालचीनी और जीरा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम 1/2 लेमन जूस डालेंगे, जिससे चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। और इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे 5-6 हरी मिर्ची और 3 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इधर देखिए हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे चिकन को कुक किया है। हमारा चिकन 80% कुक हो चुका है। अगर आपको लगता है कि चिकन में पानी ज़्यादा है तो आप हाई फ्लेम करके पानी सुखा लीजिए। हमारा चिकन रेडी हो चुका है, इतनी ग्रेवी बिरयानी के लिए परफेक्ट है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें भिगोए हुए चावल डाल देंगे। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तभी आप चावलों को डालें। अब इन चावलों को हम 6-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। और देखिए हमारे चावल रेडी हैं, 80-90% कुक हो गए हैं। हमें इन्हें पूरा नहीं कुक करना है, जब एक कनकी रह जाए तब हमें चावलों को बाहर निकाल लेना है। अब हमारे चावलों को हम छान लेंगे, पानी से अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे चावल कितने परफेक्ट बने हैं, एकदम खिले खिले बने हैं। हमें बिरयानी का राइस इसी तरह से रेडी करना है। अब हम लेयरिंग करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे, ऑयल नीचे डालने से चावल नीचे नहीं लगते। फिर हम अब इसमें राइस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 2 लेयर की बिरयानी बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे नॉर्मल भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है पूरी तरह से। सबसे पहले 1 पार्ट राइस डालेंगे, फिर इसके ऊपर हम बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर, पुदीना पत्ता और फूड कलर डालेंगे। यहाँ पे मैंने फूड कलर को दूध में मिक्स करके रखा है और इसे हम अच्छे से डाल देंगे। और हमने जो बलिस्ता बना के रखा है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम हमारी चिकन की ग्रेवी ऐड करेंगे। ग्रेवी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट अभी डालेंगे और दूसरा पार्ट हम सेकेंड लेयरिंग में डालेंगे। और इसको अच्छे से स्प्रेड करके दूर दूर करके हम चिकन को रखेंगे। अब हम इसके ऊपर हमारा सेकेंड पार्ट चावल है वो इसमें डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे। अब वही स्टेप हम दोबारा रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम बिरयानी मसाला डालेंगे, फिर उसके ऊपर फूड्स कलर फूड डालेंगे। यहाँ पे मैं येलो, रेड और ग्रीन फूड कलर ले रही हूँ। और उसके ऊपर हम बलिस्ता डालेंगे और उसके ऊपर हम अब धनिया और पुदीना पत्ता का लेयरिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। और फिर हम हमारे चिकन की सेकेंड पार्ट को भी यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से असेंबल कर देंगे। और यहाँ पे मैं अब आलू इस पार्ट में डाल रही हूँ। आलू में भी बिरयानी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अब हम इसमें लास्ट पार्ट जो हमारा राइस बचा था वो इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम वही स्टेप रिपीट करेंगे। सबसे पहले बिरयानी मसाला, फिर हमारे तेल, फूड कलर और धनिया और पुदीना पत्ता और हमारा जो हमने बलिस्ता बना के रखे वो डालेंगे। ये हमारी बिरयानी की असेंबलिंग पूरी हो चुकी है। अब बारी आती है हमारे बिरयानी को दम लगाने की। तो इसके लिए हम एक फॉइल पेपर से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि कुछ भी एयर बाहर ना निकल पाए। एक मोटे तले का तावा लेके हमें अपने वेसल के नीचे रखना है और उसे अच्छे से पूरा गर्म हो जाने देना है 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और फिर लो मीडियम फ्लेम पे हमें 20 मिनट के लिए हमें हमारी बिरयानी को दम लगाना है। जब तक हमारी बिरयानी दम होती है हम इसके लिए एक सलाद बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे बूंदी वाला रायता बनाया है, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैंने बनाया है तंदूरी प्याज सलाद। इस सलाद की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।
20 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी पूरी तरह से दम लग चुकी है, बहुत अच्छे से हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए सेटल होने के लिए साइड में रख दीजिए, तुरंत सर्व नहीं करना है इसे, हमें 10 से 15 मिनट इसको सेटल होने देना है, तभी इसका बेस्ट रिजल्ट आता है। अब हमारी बिरयानी एकदम रेडी है। अब इस बिरयानी को हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले एक साथ अच्छे से मिल जाएं। अब इस बिरयानी को हम सर्व कर सकते हैं। देखिए, एकदम चटकारेदार वर्ल्ड फेमस हैदराबादी दम बिरयानी बनकर तैयार है। आई विश मैं आपको इसकी स्मेल करा पाती कि ये बिरयानी की कितनी खुशबूदार बनी है। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिए तो आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि ये कितनी खुशबूदार बनी है। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।